86 पॉजिटिव मामलों में 2 की मौत, सिवान में सर्वाधिक मरीज, 25 जिले कोरोना फ्री। बिहार में शनिवार को एक और कोरोना संक्रमित महिला का पता चला। इसके साथ राज्य में अभी तक मिले कोरोना पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 86 हो गया है। इनमें 2 की मौत हो चुकी है। बीते 4 दिनों की बात करें तो बुधवार से शनिवार तक बिहार में कोरोना के 20 नए मामले मिल चुके हैं। राहत की बात यह है कि बिहार के कुल 86 कोरोना मरीजों में 42 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। घटना में मिला कोरोना का नया मामला। बिहार में शनिवार को एक और कोरोना मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह 32 साल की पटना के खजपुरा मोहल्ले की एक महिला मरीज है। उसका इलाज पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चल रहा है। संक्रमित महिला की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। महिला का पति ATM कैश वैन का चालक है। उसे कहां से संक्रमण लगा इसका पता नहीं लग सका है। इसके पहले वैशाली के उस कोरोना मरीज के संक्रमण स्रोत का भी पता नहीं चल सका था, जिसकी शुक्रवार को मौत हो गई। शुक्रवार को मिले थे 2 नए मरीज। इसके पहले शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने 2 कोरोना पॉजिटिव की पहचान की जानकारी दी। इनमें से एक व्यक्ति नालंदा के बिहार शरीफ का तो दूसरा बेगूसराय का है। नालंदा से मिला 17 साल का कोरोना पॉजिटिव किशोर बुधवार को मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज का भतीजा है। बेगूसराय के जिस 42 साल के पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वह मंसूर चक का रहने वाला है। वह कोरोना प्रभावित के संपर्क में आया था। राज्य में अभी तक 9543 सैंपल की जांच। शुक्रवार को राज्य के 4 कोरोना लैब में कुल 709 सैंपल की जांच की गई। इनमें RMRI में 509, पटना के IGIMS में 65, PMCH में 33 और एम्स में 27 सैंपल की जांच की गई। घटना के बाहर के कोरोना लैब दरभंगा के DMCH में 50 तथा मुजफ्फरपुर के SKMCH में 25 सैंपल जांचे गए। इनमें 2 पॉजिटिव केस मिले। राज्य में अभी तक 9543 सैंपल की जांच हो चुकी है, जिनमें 85 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इनमें 37 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2 मरीजों की मौत दोनों एम्स में। राज्य में कोरोना का पहला मामला 21 मार्च को मिला था, तब पटना एम्स में मुंगेर के रहने वाले कोरोना संक्रमित की मौत हो गई थी। राज्य के दूसरा कोरोना संक्रमित की मौत भी शुक्रवार को एम्स में ही हुई। वह वैशाली का रहने वाला था। रेड जोन में 4 तो ऑरेंज जोन में 9 जिले। जहां तक हॉटस्पॉट या रेड जोन की बात है, बिहार में सिवान, मुंगेर, बेगूसराय व गया कोरोना को बड़े हॉटस्पॉट बन गए हैं। राज्य के 9 जिले ऑरेंज जोन में हैं, शेष 25 जिले कोरोना फ्री या ग्रीन जोन में हैं। राहत की बात यह भी है कि बिहार में संक्रमित मरीज लगातार ठीक हो रहे हैं और कोरोना के सामुदायिक संक्रमण की स्थिति नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने देश के 170 जिलों को कोरोना के हॉटस्पॉट या रेड जोन में रखा है। इनमें बिहार के सिवान, मुंगेर, बेगूसराय व गया शामिल हैं। बिहार में अभी तक मिले मामलों में सर्वाधिक 29 सिवान के हैं। मुंगेर में 17, बेगूसराय में 9 और गया में 5 मामले मिले हैं। अगर 28 दिनों तक कोरोना का कोई नया मामला नहीं मिलता है तो जिला को हॉटस्पॉट या रेड जोन से बाहर निकालने का प्रावधान है। कुछ अन्य जिलों में भी कोरोना का संक्रमण मिला है। ऐसे 9 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। इनमें पटना, गोपालगंज, नवादा, नालंदा, सारण, लखीसराय, भागलपुर, वैशाली व बक्सर शामिल हैं। पटना में कोरोना के कुल 7 मामले मिल चुके हैं। गोपालगंज में 3, नवादा में 3, नालंदा में 7 मामले मिले हैं। बक्सर में 2 तथा सारण, लखीसराय, भागलपुर व वैशाली में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। बिहार के 25 कोरोना फ्री जिले ग्रीन जोन में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका, जमुई, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर।